राजस्थान के अटरू में भारतीय दलित साहित्य अकादमी जिला शाखा 12 के जिलाध्यक्ष बद्री लाल नागर एडवोकेट ने बताया कि वंचित उपेक्षित हुआ सर्वेहार समाज के छात्र छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने रुचि पैदा करने के उद्देश्य से ढोक तलाई अटरू में 125 जोड़ी ड्रेस जमुना शंकर शर्मा सुमन शर्मा बमोरी द्वारा प्राप्त हुई, जिसे बाबूलाल निर्मल प्रदेश संयोजक एवं राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित की अध्यक्षता में वितरित किया गया। कार्यक्रम की सफलता हेतु और इस अवसर पर अजमुद्दीन जिला उपाध्यक्ष दुर्गा शंकर नायक लेखराज सुमन हरी श कालव एडवोकेट जिला विधि सलाहकार लोकेश गुर्जर एडवोकेट राजकुमार निर्मल एडवोकेट आदि ने छात्र छात्राओं का घर घर जाकर चयन किया। उक्त ड्रेस को लेकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। इस कार्यक्रम में बसंत कुमार नामा ताहिर हुसैन गिरिराज मीणा बरला देवीलाल गुर्रच मुकेश राठौर बबलू गुर्जर किशनपुरा लोकेश गोयल रामस्वरूप सहरिया संजय मेघलाल जिला प्रवक्ता देवेंद्र सिरोही जिला सलाहकार आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अंत में तहसील अध्यक्ष प्रहलाद बैरवा ने सभी का धन्यवाद दिया और कहा कि कार्यकर्ता ताकत से ही ऐसे कार्यक्रम सफल होते हैं। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमारे को भामा साहब जमुना लाल जी शर्मा और श्रीमती सुमन शर्मा बम्बोरी वालों की ओर से करीबन 125 स्कूल ड्रेस प्राप्त हुई थी। उसको आज हमने वंचित उपेक्षित लोगों के बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित कर उनको डोक तलाई अटरू पे 125 स्कूल ड्रेस वितरण की है। इसमें हमारी संस्था के पदाधिकारियों का विशेष सहयोग रहा है। अकादमी हर साल इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करती है और ये आयोजन हमारे जिलाध्यक्ष बद्रीलाल जी नागर के नेतृत्व में आयोजित हुआ है। अब मैं श्री नागर साहब से निवेदन करता हूँ कि वो इस बारे में आगे की रूपरेखा बच्चों को शिक्षा हेतु बताएं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।